फ्रेंड्स कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनाकर दिखाने वाला हूँ जो 3.7 वोल्ट मोबाइल फ़ोन की बैटरी से चलेगा। और फ्रेंड्स मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि बच्चे बिल्कुल भी इसे ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। और जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज नहीं है वो बिल्कुल भी इसे ट्राई ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। जो लोग प्रोफेशनल होंगे इलेक्ट्रॉनिक के उन लोगों को अच्छे तरीके से पता चलेगा क्योंकि उन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज होता है और इलेक्ट्रिक कितना ख़तरनाक चीज़ होता है उन लोगों को अच्छे तरीके से पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मैं कटर के साथ टच करवाया तो कितना ज़बरदस्त एक स्पार्क हुआ। और उसमें ये देखिए, उसका ये हाल देख कर आपको अच्छे तरीके से पता चल रहा होगा। अगर ये गलती से आपका बॉडी पर लग जाता है ना तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर बच्चे हैं तो बिल्कुल भी उसे ट्राई मत कीजिएगा। तो उसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक BC547 ट्रांजिस्टर को लिया, ये आप देख सकते हो। और पुराना जो मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है ना, चार्जर के अंदर एक ट्रांसफार्मर मिलेगा, इस ट्रांसफार्मर को लेकर कुछ इस प्रकार लगाना है। और एक 220 ओम का एक रजिस्टर लेकर लगा लेना है जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ ऐसे, और एक जम्पर बेस के साथ लगा दे रहा हूँ ट्रांजिस्टर की। और ये फीडबैक का कोयल के साथ मैंने कनेक्टिंग किया। और एक ब्रिज रेक्टिफायर मैंने लगाया। ब्रिज रेक्टिफायर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की काम करते हो तो आपको पता होगा कैसे बनाना है। और 450 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लेकर ब्रिज रेक्टिफायर का निगेटिव और पॉजिटिव के साथ कैपेसिटर की पॉजिटिव निगेटिव अच्छी तरीके से लगा दे रहा हूँ। आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स वीडियो में मैं कैसे सारे कनेक्शंस को कर रहा हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से मैंने सर्किट का पूरा कनेक्शन को कंप्लीट कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, बैटरी का कनेक्शन को कर लूँगा। ये देखिए बैटरी का नेगेटिव पॉइंट लगाया और ये बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट को लगा दिया। तो दोनों वायर को लगाने के बाद ये सर्किट को मैं निकाल लूँगा। ये देखिए ये हमारा सर्किट कम्प्लीट हो चुका है। तो अभी बैटरी के साथ कनेक्टिंग करके आपको मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार काम कर रहा है। ये आप देख सकते हो बैटरी का निगेटिव के साथ सर्किट का निगेटिव पॉइंट को लगा दे रहा हूँ और बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट के साथ सर्किट का पॉजिटिव पॉइंट को लगा दिया मैंने। तो फ्रेंड्स अभी ये जो है ना, ये सर्किट तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये जो दो टर्मिनल आप देख रहे हो, इन दोनों टर्मिनल पर आप गलती से भी टच करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत खतरा हो सकता है आपके साथ। इसलिए मैं बता रहा हूँ बच्चे लोग उसे बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि यह बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज नहीं है वो लोग बिल्कुल उसे ट्राई मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने पहले भी दिखाया है। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार काम करता है। और मैंने भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया नहीं क्योंकि मुझे भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि देखिए गलती तो इंसान से ही होता है ना, कभी बाई चांस अगर हाथ लग जाए ना तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसे घर पर बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत ख़तरा है। यह वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए था ताकि आपको उसे देखकर कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, लेकिन उसे इस्तेमाल में मत लीजिएगा। अगर आप स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल पर दूसरा वीडियोज़ है। स्पॉट वेल्डिंग का और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो उसे जाके आप देख सकते हो। मैंने 12 वोल्ट से एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनाया था, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, तो वो वीडियो जाके देख लेना अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ है, अगर आप उन वीडियोज़ को भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, शायद आपको कुछ जानने को या कुछ सीखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करके रखना। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।